रश्मि देसाई और तेजस्वी प्रकाश, लाल नागिन वर्सेस शेष नागिन। हालांकि नागिन का खात्मा यानी कि लाल नागिन का खात्मा, चिंगिस्तान की नागिन का खात्मा भले ही शेष नागिन तेजस्वी प्रथा ने कर दिया हो, लेकिन अब एक बहुत ही स्पेशल सीक्वेंस इन दोनों का सामने आने वाला है और उसके कुछ छोटी क्लिप जो वायरल हुई है उसको देखकर ही लोगों को ये लग रहा है कि एपिसोड काफ़ी खास होगा। डायरेक्टर ऑन स्पॉट हुए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से रश्मि देसाई काफ़ी डेडिकेटेड एक्ट्रेस है। उनके आने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। और अब एक सीक्वेंस जो है वायरल हो रहा है जहाँ पर रश्मि वर्सेस तेजस्वी इन दोनों के बीच में तांडव फिल्माया गया है। जी हाँ, इन दोनों ने तांडव किया है, एक फेस ऑफ की तरह है। और इससे पहले कि भी नागिन सीक्वेंस में हमने देखा है कि कैसे मौनी रॉय ने बहुत ही खूबसूरत तांडव किया था, तो अब क्या तेजस्वी और रश्मि का ये तांडव, ये बेहतरीन डांस देखने को मिलेगा जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी प्रकाश पर रश्मि देसाई भारी पड़ रही हैं और रश्मि देसाई अपनी अदाओं से, अपनी डांस से, अपनी एक्टिंग से वाकई में दिल जीत रही है। हालांकि मैं तेजस्वी की बात करूं और पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे दोनों की एक्टिंग टक्कर की लगी। तेजस्वी ने जिस तरीके से नागिन को यहां से यहां पहुंचाया अपनी एक्टिंग स्किल से, अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, वो एक अलग ही लेवल है। वही रश्मि देसाई जब आई है नागिन में तो अपनी सीनियोरिटी, अपना एक्सपीरियंस वो लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि एक पर एक भारी पड़ रही है। दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को टक्कर दे पा रहे हैं, तभी ये सीक्वेंस इतने, जो मैं कहूँ तो बहुत अच्छे निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई एक एक पर भारी पड़ रहा है, दोनों ही बहुत एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब ये तांडव आता है तो दोनों में को लेकर जो है, जो इन दोनों का फेस ऑफ होगा, वो देखने में वाकई में बहुत मजे आएंगे।